पेंट्स हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो रेड बटन का दिख रहा है, और साथ में बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे भी जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई डिज़ाइन अपलोड करूँ तो आप उसे मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, मैंने पहले ही एक पार्ट एक तरफ का भी तैयार कर लिया था, तो पहले आप देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है। देखिए, इस टाइप से फोर स्टेप में और पांचवे स्टेप में ग्रीन कलर का यूज़ हुआ है। देख सकते हैं आप। इस तरह से पहला भी बना हुआ है। आप चाहे तो सात घर लेके बना सकते हैं या आठ घर लेके बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। आप चाहे तो नहीं भी छोड़ सकते बीच का स्टेप। ये देखिए, इस तरह से एक घर में हमें छः लेना है और एक में तीन, फिर छः और फिर गैपिंग तीन, और बीच में हमें दस चैन लेना है इस तरह से। और फिर सेकेंड लेयर में जिसमें हमने छः लिया था उसमें हमें बारह लेना है, मतलब हर एक घर से दो लेना है, बारह लीजिए या दस लीजिए। इसी तरह से इधर अब बनेगा। तो चलिए देखिए, मैंने पहले से ही ये कंप्लीट कर लिया है। देखिए, मैंने एक जगह से छः लिया है, फिर दो घर छोड़ के एक जगह से तीन लिया है, फिर इसी तरह करते हुए हमने यहाँ तक बनाया है। तो चलिए, और अब मैं बना के आपको बता देती हूँ। सेम इस तरह से अब हमें इधर भी तैयार करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने जो छः तीन फिर छः तीन इस तरह से बनाया है, तो अब हमें फिर दस चैन ले लेना है। एक, दो, आप दस चैन ले सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा गैपिंग बीच में रखनी है तो आप इससे ज़्यादा भी चैन ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने 10 चैन ले लिया है लगभग, और नीचे से हमें तीन घर छोड़ देना है, जो थर्ड वाले घर होगा। मतलब आपको जितनी दूरी 10 चैन पे लगे उतनी दूरी पे हमें यहाँ से एक जगह से तीन फंदा निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से तीन फंदा हमने निकाल लिया है। तो देखिए, यहाँ पे हमने तीन फंदा ले लिया। अब हमें फिर दस चैन लेना है। और दस चैन लेने के बाद हमें फिर दो घर या तीन घर, आपको जितनी गैपिंग पे रखनी हो उतना घर हमें छोड़ने के बाद हमें एक ही जगह से फिर हमें छः फंदा लेना है। तो देखिए, हमने छः फंदा ले लिया है। अब देखिए, इस तरह से हमारा जो छः वाला फंदा होगा उस तरह से हमें सात घर बनाना है। आप चाहे तो आठ पे भी बना सकते हैं, आपको जितना घना रखना हो, आप जितना खंड रखना चाहते हो उस हिसाब से। फिर हमें दो घर छोड़ देना और तीन फंदा लेना है। अब हमें फिर दस चैन लेना है। और फिर हमें एक जगह से छः फंदा लेना है। ये पहला स्टेप है। देखिए, इस तरह से हमारा सात घर इस तरह से बन जाएगा, जो सात मतलब जिसमें हमने छः फंदा लिया था वैसा हमें सात बनेगा। अब हमें क्या करना है, इसे पलट लेना है, और जिस घर से हमने छः फंदा लिया था उस
सारे घर से हमें दो दो फंदा निकालना है, मतलब डबल होना चाहिए इसका। तो आप चाहे तो हर एक घर से तीन भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा घना रखना हो तो। मैं इसमें से हर एक खंड से दो दो फंदा निकालूंगी। और हमें 10 चेन लेना है, और फिर जिसमें से हमने तीन फंदा लिया था उसमें से हमें तीन फंदा ही लेना है। तो आप इसे देखिए और समझिए। आपने जिसमें से हमने 6 लिया था उसमें से हमने डबल डबल घर लिया, और जिसमें से 3 लिया था उसमें 3 ही है, और बीच में का जो चैन है वो 10 घर है, 10 चैन है। और आप चाहे तो 8 चैन भी ले सकते हैं अगर बीच में गैपिंग अगर ठीक हो रहा है तो। अब हमें थर्ड, देखिए हमारा सेकेंड स्टेप पूरा कम्प्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में भी हमें सेम इसी को रिपीट करना है, जिसमें हमने 6 वाले में हमने डबल डबल घर लिया था, उसके बाद उसमें भी हमें क्या करना है, हर घर से दो दो घर निकालना है, और फिर हमें 10 चेन लेना है, और जिसमें हमने 3 फंदा लिया था उसमें हमें 3 फंदा ही लेना है। Thank you.
तरह से हमने इसमें से सब घर से दो दो घर लिया और फिर हमने तीन फंदा लिया, फिर 10 चैन लेके हम जिसमें से दो दो फंदा लेना है उसमें से हम दो दो फंदा लेंगे, और जिसमें तीन फंदा हमने शुरू से लिया उसमें हम तीन फंदा ही लेंगे। तो देखिए ये हमारा ये स्टेप पूरा हो चुका है। ये देखिए इस तरह से ये स्टेप, थर्ड स्टेप भी हमारा पूरा हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, जिसमें से हमने फिर हमने डबल घर लिया था उसमें से हमें फिर सारे घर से दो दो घर लेना है और 10 चैन लेना है, या फिर आप चैन घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और फिर जिसमें से हमने तीन फंदा लिया था उसमें से हमें तीन फंदा ही लेना है। तो देखिए आप, हमने सब घर से डबल ले लिया है और अब जिसमें से तीन फंदा लेना था उसमें से तीन फंदा ही लिया हमने, और 10 चैन है बीच में। आप चाहे तो कम चैन भी ले सकते हैं। अब से हम इसी स्टेप्स को रिपीट कर लेना है तो हमारा 4 स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और 5 स्टेप में हमें क्या करना था, हमें ग्रीन कलर का यूज़ करना था।
तो जो मैंने पहले से यूज़ कर लिया, लास्ट में मैं आपको बना के बताऊंगी एक घर को। तो आपको इसमें क्या करना था, एक घर कंप्लीट होने के बाद हमें 10 चेन लेना था, या फिर आप एक ही चेन ले, ज़्यादा गैपिंग नहीं लेना है, एक चेन लेना है। और जिसमें से तीन फंदा हमने लिया था उसमें से हमें फिर से तीन फंदा ही लेना है। और उसके बाद हमें एक चेन लेने के बाद, देखिए पहले हम यहाँ तीन फंदा लेंगे, उसके बाद हमें एक चेन लेना है। उसके बाद हमने जितना इसमें घर बनाया, हर एक घर से हमें तीन और किसी में से चार, आप चाहे तो सारे घर से तीन ले सकते हैं या फिर सारे घर से चार भी ले सकते हैं, पर आप एक घर से तीन, एक घर से चार इस तरह से ले सकते हैं। आप इसको जितना घना, जितना मुड़ा हुआ बनाना चाहते हैं आप उतना ही एक घर से ज़्यादा ज़्यादा घर लेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो आप देखिए और इसे समझिए। देख सकते हैं ये हमारा एक स्टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से हमने सात घर इसमें बनाया है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें घर घटाते हुए बनाना है और सेम इसी स्टेप्स के साथ। तो देखिए अगला घर जब हमारा बनेगा तो किस तरह से बनेगा। हमें फिर से नया फंदा बना लेना है और जो बीच का जो बगल से एक घंटी टाइप से जो दिख रहा है उसे छोड़ देना है। और जो तीन फंदा हमने जिस घर से शुरू से लिया है उस तीन फंदा में से हमें छः फंदा निकालना है। अब हमारा जो घर बनेगा इसमें जिस घंटी टाइप से जो आपको दिख रहा है वो अब इसमें हमारा बनेगा। तो इसमें अब हम छः फंदा लेंगे और 10 चैन लेंगे। छः फंदा लेने के बाद 10 चैन लेंगे देखिए इस तरह से। फिर हमें 10 चैन ले लेना है। और जो अगला घर है जो हमारा जो घंटी टाइप से आपको दिख रहा है ये इसका जो बीचों बीच पार्ट है जो इसका बीच होगा जैसे देखिए इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरह से आप गिन लेंगे। और इसका जो बीच होगा आप उस बीच में से इस तरह से आप गिन लेंगे जिसका बीचों बीच होगा उस बीच से हमें तीन फंदा निकालना है।
इसी तरह से हमें जिसमें से हमने तीन फंदा शुरू से लिया था उसमें से हमें छः फंदा लेना है, और जो घंटी उस बीच में से हमें तीन फंदा, तो इसी तरह करके हम बनाएंगे। तो हमारा सेम इसी तरह से बनता जाएगा, हमारा अब छः घर बनेगा इसमें, और जिसमें हम छः इसमें तीन फंदा लेंगे जो घंटी है उसमें, और जो जिसमें हमने तीन फंदा शुरू से लिया था उसमें हम छः फंदा लेंगे, और साइड से ये घर छूट जाएगा। और सेकेंड स्टेप में जिसमें से हमने छः लिया था उसमें से हमें सारे घर से दो दो लेना है। इसी तरह हमें चार स्टेप तक इसी कलर का यूज़ करना है। फिर फाइव स्टेप में जो जाएंगे तो हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। जो मैंने सारा स्टेप आपको पहला में जो बना के बता दिया सेम उसी को रिपीट करना है। तो इस तरह से जब हम बनाते जाएंगे तो हमारा सात घर है, फिर हमारा छः घर बन के तैयार होगा इस तरह से, देखिए। और देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर में सात घर बना हुआ है और नीचे छः है, फिर पाँच है, और देखिए जो तीन फंदा है उसमें से हमने लिया था छः, फिर सारे घर से लिया इस तरह से करके हमारा ये देखिए बीच में सारे जगह दस चैन ही है, और ये पाँच, फिर चार, यहाँ भी हमने सेम उसी स्टेप्स का एक ही स्टेप्स अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो आप सारे स्टेप्स आसानी से बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये स्टेप भी है दो और ये एक, तो इस तरह से हमारा ये गेट बना हुआ। और बीच में हमने तीन लेयर जो गैपिंग किया था उस गैपिंग से हमने तीन लड़ी बनाई है, एक बड़ा है और दो छोटा है जो बगल में आप देख सकते हैं। इस टाइप से ये बना हुआ है और इस साइड से ये भी ये तैयार है, इधर का भी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा गेट पर्दा डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। तो दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। देखिए इस तरह से पूरा बनके रेडी हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर